नमस्ते बच्चों बच्चों आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था याद है आपको? हाँ, वर्णमाला। वर्णमाला में जो पहले चार अक्षर है कौन से अक्षर थे? अ, एक बार रिवाइज करते हैं, अ, आ, ई, अ, आ, ई, ई। और हमने देखा था अ से शुरू होने वाले शब्द आपको याद है? अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अखबार, अदरक। हमने देखा था ना आ से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं? आ से आम, आकाश, आदमी, आईना, ये सब हमने देखा था ना। फिर ई से कौन कौन से शब्द देखे थे हमने? ई से शुरू होने वाले शब्द है इमली, इस्त्री और इलायची, इडली जो हम खाते हैं, है ना, हमने ये सब देखा था ना। और ई से शुरू होने वाले शब्द ईद, ईग, ये सब हमने देखा था। तो अभी अगला अक्षर कौन सा है? ओ। देखो अगला अक्षर कौन सा है? उ। उ से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं? देखते हैं। हाँ, उ से उल्लू, उ से उल्लू, उ से उपहार, उपहार यानी गिफ्ट, उ से उपहार गिफ्ट, उ से उपवन, उपवन यानी गार्डन, उपवन, उसे उदास, उदास मीन्स वेरी सैड, उसे उदास, उसे उजाला, उजाला मीन्स लाइट, इट्स वेरी, व्हेन इट विल बी वेरी ब्राइट, इसे उजाला, उसे उजाला, उसे उठना, ये सब शब्द शुरू होते हैं। ओके, अभी देखते हैं उ कैसे लिखते हैं। उ का उच्चारण उ, हाँ देखो सिर्फ बहुत आसान है, हमने अ लिखना सीखा था ना फर्स्ट, छोटा कफ, बड़ा कफ, हाँ, फिर एक डैश। देखो स्टेप वाइज कैसे लिखना है, देखो ऐसे, फिर ऐसे, क्रीज जैसे और एक लाइन बन गया उ। उसे शुरू होने वाले शब्द फिर से एक बार दोहराते हैं, उसे उल्लू, उसे उपहार, उसे उपवन, उसे उदास, उसे उत्तर, उत्तर मीन्स आंसर, उसे उजाला लाइट और उसे उठना। अब सुबह बेड पर से उठते हो ना, उठना मीन्स गेट अप, ओके, उसे उठना। तो अभी हमने देखा ना, अब इसका उच्चारण कैसे करते हैं, हाउ टू प्रोनाउंस उ, ओके उ। अभी अगला अक्षर देखते हैं, नेक्स्ट लेटर इज ऊ, पुलटन से थोड़ा ऐसे खींच के बोलना है ऊ, ये है उ और ये है ऊ। देखो यहाँ स्टार्टिंग में से भी हम वैसे ही उसका उच्चारण करते हैं, अ आ, ये शॉर्ट में होता है एंड दिस सेकेंड लेटर विल पुल इट, अ आ, इ, ई, ओ, ऊ। समझ में आ गया बच्चों? फर्स्ट लेटर इन शॉर्ट वी शुड से एंड सेकेंड लेटर यू शुड पुल इट एंड से। देखो अ आ, इ, ई, ओ, ऊ। अभी उसे शुरू होने वाले शब्द देखते हैं, चलो उसे ऊन, उसे ऊन, ऊन यानी उल, विल प्रिपेयर द स्वेटर नो विद द हेल्प ऑफ द उल, हाँ उसे ऊन, उल को हम क्या बोलते हैं, ऊन, उसे ऊपर, ऊपर मीन्स अप, विल क्लाइंब द स्टेयर्स अप, उसे ऊपर अप, उसे ऊंट, ऊंट मीन्स कैमल, कैमल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंट, उसे ऊंट, उसे ऊन, उसे ऊपर, उसे
ऊंट। बच्चों चलो देखते हैं इसे किस तरह लिखना है। अभी हमने सीखा था ना उ कैसे लिखना है, से उ की तरह ही यहाँ पे छोटा सा ऐसे डाउन साइड कर्व, देखो बन गया उ। सी लाइक थ्री यू शुड राइट, ओके देन पुट वन स्मॉल कर्व, बन गया उ। देखा ना कितना आसान है, ये है उ, ये है उ। उसे शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं? उसे उल्लू, उसे ऊपर, उसे उपहार, उसे उदास, उसे उजाला, उसे उठना, उसे उत्तर। हाँ उसे उसे ऊंट, उसे ऊन और उसे ऊपर। देखा ना बच्चों, बच्चों अभी अगले अगला अक्षर कौन सा है, री। अ आ ई ई उ उ, उ के बाद कौन सा है री। देखो री किस तरह लिखना, ये है री। ओके अभी री से शुरू होने वाले कुछ शब्द हम देखते हैं। री से ऋषि, ऋषि यानी सेज, सेज को हम क्या बोलते हैं ऋषि। री से ऋषि, री से ऋषभ, ऋषभ मीन्स बुल, फॉर बुल वी कॉल ऋषभ। री से ऋषभ, री से ऋतु, ऋतु मीन्स सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, सीजन्स आर कॉल्ड एज ऋतु। री से ऋतु, री से ऋण, ऋण मीन्स लोन, विल टेक द लोन नो टू कंस्ट्रक्ट द हाउस और टू बाय द कार, ऋण लोन वी से ऋण। री से ऋषि, ऋषि मीन्स सेज, री से ऋषभ बुल, री से ऋतु सीजन, री से ऋण, ऋण मीन्स लोन। समझ में आ गया ना बच्चों, अभी इसका उच्चारण कैसे करना है, री री। ओके अभी नाउ विल सी हाउ टू राइट, स्टेप वाइज आई बी शोइंग यू। सी फर्स्ट वन स्टैंडिंग लाइन, देन यू विल राइट के, नो स्मॉल के लाइक दैट के, ओके एंड देन सी या लाइक दिस थ्री। How you write three? Ulta it should be. देखो यहाँ पे like this curve it should come. Okay. Once again I'll show step by step. देखो this much is easy for you. Yes or no? Ulta K, opposite side. K it will be this side, but you'll be writing this side. Okay, and then take like this. How when you write E like that, okay? Our children, cursive capital E you'll write, no? You can write like that. See here, like this, then again and come down. That's it. Dekho, once again I'll show you. Practice this neatly, children. E you'll write, no? But start from here. Like this, E, capital E, you will write like this, yes or no, capital E, you will write like this, but just come down, this is re, okay, see ya, this, re, it's easy, no, once again I'll show you. See this part like this, like E you should write and come down, capital E, see ya? This, that's it. Ye kya hai, re, re se ritu, re se rishi, re se rishab, re se rin. Dekha na abhi
पुराज जो हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में, इस कक्षा में एक बार रिवाइज करते हैं. ऑल द सेवन लेटर्स विल सी वंस. देखो अ आ ई ई ओ ओ. And when you are writing, you should say and write, children. Oh, oh. And what is this? Re. Dekho. A, a, e, e. Oh, oh. Re. Till here we learn, no? Once again, you'll repeat behind me. A, a, e, e. Oh, oh. Re. First letter, you should tell it in short. And the second letter you should pull it. Dekho. A, a, e, e, o, o, re. Understood na? So practice these letters. Write neatly in your rough notebook and practice it. बच्चों, अभी कुछ सब्जियों के नाम सीखते हैं. चलो देखते हैं कुछ सब्जियां. ये क्या है? कैरेट. कैरेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गाजर. कैरेट को क्या बोलते हैं? गाजर. गाजर किसे बहुत पसंद है? रैबिट को, है ना? रैबिट को गाजर बहुत पसंद है. और हम गाजर का क्या बनाते हैं? हलवा. सब बच्चों को पसंद है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? गाजर. ये क्या है? ऑनियन. ऑनियन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज. प्याज क्या बोलते हैं? प्याज. जब हम ये कट करते हैं तो क्या होता है? आंखों से आंसू आते हैं ना. और हर एक सब्जी में प्याज डाला जाता है. ओके, वी यूज इन ऑल द वेजिटेबल्स वी यूज द ऑनियन. हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज. ये क्या है? रेडिश. रेडिश को हम क्या बोलते हैं? मूली. क्या बोलते हैं? मूली. मूली कौन से रंग का होता है? सफेद. व्हाइट कलर को हम क्या बोलते हैं? सफेद. मूली कौन सा रंग का होता है? सफेद. ये देखो, ये क्या है? ब्रिंजॉल. ब्रिंजॉल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बैंगन. ये है सब्जियों का राजा. इट इज द किंग ऑफ द वेजिटेबल्स. क्या है ये? बैंगन. बैंगन का भरता बनता है, सब्जी बनती है. बहुत सारे वैरायटीज बनते हैं. ब्रिंजॉल को हम क्या बोलते हैं? बैंगन. ये है पोटैटो. पोटैटो को हम क्या बोलते हैं? आलू. हमने गाना भी सुना था ना, आलू का चालू बेटा. हाँ, सबको आता है ना वो गाना. आलू. आलू से चाट बनता है. और चिप्स बनते हैं, सब्जी बनती है, बहुत सारे चीज़ें. सब बच्चों को आलू बहुत पसंद होता है. पोटैटो को हम क्या बोलते हैं? आलू. ये क्या है? लेडी फिंगर. लेडीज फिंगर को हम क्या बोलते हैं? भिंडी. भिंडी भी सब बच्चों को बहुत पसंद है ना. हाँ, भिंडी का भरता रहता है, फ्राई बनता है, बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस बनते हैं. ये कौन से रंग में होता है? हरा रंग का. ग्रीन कलर को हम क्या बोलते हैं? हरा. भिंडी, इसे क्या बोलते हैं? भिंडी. ये क्या है? हाँ, चिल्ली. चिल्ली इसको हम क्या बोलते हैं? मिर्ची. बहुत तीखा होता है. इट विल बी वेरी स्पाइसी. बहुत तीखा होता है. से हम क्या बोलते हैं? मिर्ची. मिर्ची हरे रंग की भी होती है, लाल रंग की भी होती है. चिल्लीज को हम क्या कहते हैं? मिर्ची. ये क्या है? कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर को हम क्या बोलते हैं? फूल गोभी. क्योंकि ये फूल जैसे दिखता है ना. देखो यहाँ पे कैसे दिखता है? फूल की तरह दिखता है. देखो
इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फूल गोभी। फूल की तरह दिखता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फूल गोभी। इसकी मंचूरी भी बनती है ना, सबको बहुत पसंद है। कॉलीफ्लावर को हम क्या बोलते हैं, फूल गोभी। ये क्या है, पत्ता गोभी, कैबेज। कैबेज को हम क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी। ये लीव्स की तरह होते हैं ना, देखो यहाँ पे लेयर्स होते हैं, लीव्स के लेयर्स होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, पत्ता गोभी। क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी। फिर से एक बार देखते हैं, देखो पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्ची, भिंडी, आलू, बैंगन, मूली, प्याज, गाजर। एक बार फिर से देखते हैं, गाजर, प्याज, मूली, बैंगन, आलू, भिंडी, मिर्ची, फूलगोभी, पत्ता गोभी। बच्चों आप सबको ये सब वेजिटेबल्स खाना है, स्ट्रांग बनना है तो आपको क्या करना है, ये सब वेजिटेबल्स खाना है। समझ में आ गया ना, आज हमने क्या सीखा, सब्जियों के नाम। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, धन्यवाद।